फाइनली हमारे पास गूगल एडसेंस पिन हमारे पास आ चुका है। ये है वो लंबा इंतजार का बाद फाइनली ये मेरे पास अभी देख रहे हो आप। इसके अंदर है गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन पिन। इसको कैसे अप्लाई करने पड़ेगा वो पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो एडसेंस अकाउंट में $10 होना पड़ेगा। $10 होने के हो जाने के बाद उसमें एक एक्शन बटन आएंगे, तो एक्शन बटन में जाके आप एड्रेस को सही तरह से डालना पड़ेगा। फिर आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक आईडी कार्ड भी डालना पड़ेगा। ये है वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, लेकिन आधार कार्ड एक्सेप्टेड नहीं है। एडसेंस पिन के लिए आप जब अप्लाई करोगे, जब आप एड्रेस प्रूफ डाल के और आइडेंटिटी प्रूफ डाल के जब सबमिट करोगे, उसको बाद 12 घंटा बाद में आपका गूगल की तरफ से एक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल बोल के एक मेल आएगा। सारे सबमिट करने के बाद 15 दिन से लेके एक महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर ये स्पीड पोस्ट होके आपका घर पे आ जाएगा। तो इसके अंदर 6 डिजिट एक पिन होगा जो अभी एक्सेंस अकाउंट में जाके हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो चलिए चलते उस पर वेरीफाई करते और दिखाते कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा और इस चिट्ठी का अंदर क्या है। इसका अंदर बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट का एक पिन है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम तोड़ के दिखाते। ये शानदार है, इसमें चारों तरफ काफ़ी आसानी से इसको हम फाड़ सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए अभी एडसेंस अकाउंट में जाते हैं और ये जो 6 डिजिट पिन है इसको हम सबमिट करें। एडसेंस लॉगिन कर लिया और देखिए इसमें लिखा हुआ है, योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। नीचे है वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस और इसमें ये है वेरीफाई। इसमें क्लिक करके ये हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे और ये देखिए, एंटर योर पिन, यू विल फाइंड अ 6 डिजिट पिन इन द लेटर वी सेंट यू। तो इसके अंदर जो 6 डिजिट का जो पिन है इसमें हम अभी सबमिट करेंगे, लेकिन यू हैव 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। सिर्फ 3 ही बार यहाँ पे डाल सकते हैं, ज़्यादा बार नहीं डाल सकते, ओनली 3 टाइम्स ही डाल सकते हो आप। तो केयरफुली इसमें आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम डालते 6 8 5 1 5 3। तो ये हमने डाल दिया और डालने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। अभी योर बिलिंग एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, हमने 6 डिजिट पिन को सबमिट कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद में एक और स्टेप बाकी है, यहाँ आप जाएंगे पेमेंट्स में जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अभी ये जो पोर्शन है ऐड पेमेंट मेथड, इसमें आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपका बैंक अकाउंट सारे भरना पड़ेगा, बेनिफिशियरी आईडी, नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, अकाउंट नंबर, और फिर से अकाउंट में डालेंगे बैंक इंफॉर्मेशन सारे कुछ। इसमें डालने के बाद सेव कर दीजिए और फिर एडसेंस अकाउंट में जब $100 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था आज का एडसेंस अकाउंट और पिन का सबमिशन का मेथड।